सिलेक्शन माइंड के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक सरकारी योजना के बारे में। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पंजीकरण के लिए धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों के विरुद्ध चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के शुभारंभ के बाद यह देखा गया था कि कुछ वेबसाइटें पीएम कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा कर रही थी। ऐसी वेबसाइटें आम जनता को धोखा दे रही थी और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उनसे रुपए तथा जानकारी भी एकत्रित कर रही थी। तो उन्हीं के विरुद्ध सरकार ने एक चेतावनी जारी की है। तो हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री कुसुम योजना है क्या, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना को 2020 में ही शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम PM प्रधानमंत्री, K से किसान, U से ऊर्जा, S से सुरक्षा, U से उत्थान और M से महाअभियान PM कुसुम योजना, इसे 2020 में ही प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप एवं अन्य पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत देश भर में सभी बिजली व डीजल से चलाए जाने वाले पंप सोलर ऊर्जा से चलाए जा सके। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में अधिक जानकारी देखें तो इस योजना के तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए 60% तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को केवल बाकी का 40% विभाग को जमा करना होता है। योजना का एक अन्य प्रमुख घटक भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। ध्यान देने वाली बात है कि 60% तक का अनुदान सरकार द्वारा और 40% ही किसानों द्वारा। योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है। 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट। आइए अब हम जानते हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बारे में। यह एक भारत सरकार का एक मंत्रालय है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हम इस मंत्रालय के उद्देश्य के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, बौद्धिक संपदा संरक्षण व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पदोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा एवं छोटे पन बिजली के लिए जिम्मेदार है। इसके अगर हम लक्ष्य की बात करें जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए है, तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन के लिए हमारी 40% स्थापित क्षमता स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। 2030 तक 40%। साथ ही यह निर्धारित किया गया है कि 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। 2022 तक 175 गीगावाट। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पन बिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता शामिल हैं। सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट, छोटी पन बिजली परियोजना से 5 गीगावाट क्षमता। पर्याप्त उच्च क्षमता के लिए लक्ष्य से व्यापक ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की बेहतर पहुंच और रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
आइए अब हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। किसान उत्पादित ऊर्जा का उपयोग सिंचाई जरूरतों के लिए कर पाएंगे तथा अतिरिक्त ऊर्जा बिजली वितरण कंपनियों को बेच पाएंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। इस योजना से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी और वायुमंडल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। योजना के क्रियान्वयन से पूरे वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 27 मिलियन टन की कमी आएगी। 27 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। सौर कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 2 बिलियन लीटर डीजल की बचत होगी। इससे कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इस योजना में रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों को सृजित करने की क्षमता है। स्वरोजगार में वृद्धि के साथ इस योजना से कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए 6.31 लाख रोजगार के नए अवसरों के सृजित होने की संभावना है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।